देश भर में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को अब स्पेशल ट्रेनों के जरिए उनके घर भेजा जा रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों से ट्रेनों का किराया भी वसूल किया जा रहा है, जिससे महीनों से बेरोजगार श्रमिकों के सामने टिकट के पैसों का इंतजाम भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। मजदूरों की इसी पीड़ा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने यह तय किया कि वो ट्रेनों के जरिए अपने अपने घर जा रहे मजदूरों के टिकट का खर्च वहन करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए सभी राज्य इकाइयों को निर्देश जारी किए। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि श्रमिक और कामगार राष्ट्र निर्माण के अग्रदूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना फर्ज समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क ला सकते हैं और रेल मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री कोविड फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो फिर इन मजदूरों को निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमने कामगारों की इस समस्या को रेल मंत्रालय के समक्ष भी उठाया है, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अनसुना कर दिया, और जिसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस ने मजदूरों और कामगारों के रेल किराए का खर्च वहन करने का फैसला लिया। सोनिया गांधी की चिट्ठी जारी होने के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने सभी राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश जारी किए कि वो इस पर तुरंत अमल कर काम में जुट जाएं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए सराहनीय पहले से कह सकते हैं, क्योंकि जो मजदूर काफी समय से काम पर ही नहीं गए वो खर्च कैसे, ट्रेनों की जो टिकट है उसका खर्च कैसे वहन करेंगे, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में बहुत सराहनीय पहल ये। बिल्कुल, देखिए मनीषा, लॉकडाउन के चलते कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सबसे जो बड़ी समस्या आई थी वो श्रमिकों के सामने आई थी। श्रमिक जो बाहर फंस गए थे, लगातार पलायन की जो खबरें आ रही थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। राज्य सरकारों ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की कि श्रमिकों और जो प्रवासी हैं उनको घर तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की ओर से इसको मंजूरी भी मिली कि एक स्पेशल रेल ट्रेन चलाई जाए जिससे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन कांग्रेस की ओर से, सोनिया गांधी की ओर से, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी ओर से मांग की गई कि केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय या पूरा खर्चा वहन करे, श्रमिकों से किराया नहीं लिया जाए। इसको लेकर हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई नहीं दी गई रिलैक्सेशन, जिसको लेकर सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया और आज एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश इकाइयां हैं वो इसका पूरा रेल का किराया कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां वहन करेगी, जिससे जो मजदूर वर्ग है उसको राहत मिल सके, जो श्रमिक है वो घर जा रहे हैं। देखिए करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन लगातार चल रहा है, तो ऐसे में मजदूर वर्ग है उनकी जेब में पैसा नहीं है। सोनिया गांधी ने निर्णय लिया कि देश के रीढ़ है मजदूर वर्ग है, जो कांग्रेस की रीढ़ है और मजदूर वर्ग देश की रीढ़ की हड्डी है, और ऐसे में उनकी मदद करना कांग्रेस पार्टी का धर्म है। तो इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो मजदूर है उनको जहाँ उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। रेल का किराया जो प्रदेश इकाइयां हैं वो वहन करेगी। कांग्रेस की जो प्रदेश इकाइयां हैं उनको इंस्ट्रक्शन भी कांग्रेस की ओर से दे दिए गए हैं। राजस्थान की बात की जाए तो मुख्य पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, वो इस पूरी तैयारी में जुट गए हैं। सोनिया गांधी और जो कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के अहमद पटेल, उनकी ओर से इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि जो प्रदेश इकाइयां हैं वो रेल का खर्चा वहन करने की पूरी जिम्मेदारी उठाए। ऐसे में प्रदेश इकाई की बात करें तो पूरी तैयारी में जुट गई है। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितने मजदूर हैं उनको, श्रमिकों को पहुंचाया जाए, उसका रेल का खर्चा वहन प्रदेश की इकाइयों के ऊपर छोड़ा गया, प्रदेश की इकाइयां श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का पूरा खर्चा वहन करेंगे। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सराहनीय पहल ये है उन मजदूरों के लिए, बिल्कुल राहत की खबर है कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा फैसला।